हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानी नौवीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान, ये टॉपिक कई मान्य में एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हियर, व्हाई आर द रिवर्स कंसीडर एज द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, द चैप्टर ड्रेनेज द ज्योग्राफी। व्हाई आर द रिवर्स कंसीडर एज द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? There is an important answer here. The rivers are considered as the lifeline of human civilization because of flowing reason. The first reason here is the most important: abundant supply of drink water. The abundant supply of drink water, the river and the lakes are fulfilled in the basic need of all living beings, including human beings. That is the most important here, first point: abundant supply of drink water. And second here is also important: water for irrigation. The water for irrigation is the most important. Rivers are the main source of irrigation. That is important here. The rivers are main source of irrigation. And third point here, navigation. Navigation is the most important point. The rivers are a cost-free mean of water transportation of the goods and people from one place to another. That is important. For the same time, rivers are a cost-free means of water transportation of goods and people from one place to another. The next point is the most important here, biologically productivity area. There is important point here. After the navigation, the biologically productivity area, the most of the is estuaries form at the meeting point of fresh water and saline water of the sea, and these are found in the most suitable place for a fish breeding. There is important for biological productivity area, the fish breeding. And the next year, source of generation of hydropower. The river is the most important source of generation of hydropower. River are an abundant source of generating electricity. The rivers are abundant source of generating electricity. A large dam has been to the built for this purpose. That is important for the river here, a source of generation of hydro power. यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदियों को मानव सभ्यता के जीवन रेखा क्यों माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जर्नली हम बात इसके अंतर्गत करें तो आपको पता होगा कि नदियाँ जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी मानव सभ्यता के लिए। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आपको पता है कि ये सिंधु नदी के पास स्थित थी और ये जो है सभ्यता का विनाश भी जो है इन्हीं कारणों में से एक माना जाता है। तो ये नदियाँ जो होती है मानव सभ्यता की जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं नदियों के आसपास जो है सुचारू रूप से हो जाता है। यानी नदियाँ इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा ही होगा कई बड़े बड़े शहर जो हैं नदियों के जो है किनारे ही बसी हुई है, और इसका कारण यही माना जाता है कि नदियों से हमें हर तरह के जो है जीवन रेखा मानी जाती है और सभ्यता के जीवन पनपने के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नदियों से जो है हमें हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी जो होते हैं बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है यहाँ दर्शा रहा है कि नदियों को मानव सभ्यता के जीवन रेखा क्यों माना जाता है। आपको पता है कि जल ही जीवन है। अब जल जो है नदियों में होती है तो इसका मतलब है कि जल कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है। जल तो जीवन है ही है, प्लस और भी ऐसे कार्य हैं जिसके लिए जो है नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसे कि इस आंसर में भी बताया गया है कि नदियों को जो है निम्नलिखित कारणों में मानव सभ्यता के जीवन रेखा माना जाता है। अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि प्रचुर मात्रा में पेय जल की आपूर्ति, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है जल ही जीवन है, और पेय जल की आपूर्ति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पीने योग्य जल होना बहुत ही जरूरी है। नदियों और झील मनुष्य सहित सभी
जीवित प्राणियों की जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी नदियों से जो है जितने भी इंसान हो चाहे जीव जंतु हो उनसे जो है जीवन रक्षक पेय जल जो है प्राप्त होती है, जिससे वो अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से कार्यरत करते हैं। अगर हम दूसरी बात पर ध्यान दें तो सिंचाई के लिए पानी, देखिए कहते हैं जहाँ पर जल जीवन है वहीं पर अन्न जो है इंसानों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि तब होती है जब सिंचाई के जो है प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो। पुराने समय में अगर सिंचाई की सुविधाएं न होने के कारण आपने देखा भी होगा कि लोग भूखमरी से जो है शिकार हुए, अनाज के एक दाने भी उत्पन्न नहीं हुए। तो दूसरा पॉइंट यहां पर साफ कर देता है कि सिंचाई के लिए पानी नदियां सिंचाई का मुख्य स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इरिगेशन की तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नदियाँ जो है माल और लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल परिवहन का जो है निःशुल्क साधन है। तो आपने देखा भी होगा कि भारत में वास्को डी गामा का जो आगमन हुआ था वो समुद्र के किनारे से हुआ था। समुद्र भी एक नदियों का एक रूप होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर नदियाँ जो है समुद्र देखा जाए तो लोगों के लिए माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए बहुत ही निःशुल्क साधन है। यानी इसमें जो है ना तो कोई रोड को बनाने के लिए पैसों की खर्च करना पड़ता है और न ही जो है इसमें काफ़ी हानि होने की चांसेस रहती हैं। यहाँ पर जो है पानी एक स्वयं ही एक ट्रांसपोर्ट का साधन के रूप में देखा जा सकता है। और कहते हैं बड़े बड़े जो यहाँ व्यापार होती है, बड़े बड़े चीज़ें जो होती है वो जल मार्ग से ही होती है। इसलिए नेविगेशन के अंतर्गत जो है नदियाँ माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने में जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर था और बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर उभर के सामने आया है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें डी की तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र। देखिए नदियाँ कहते हैं नदियाँ जैविक रूप से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने नदियों का अगर अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि नदियों में ना जाने कितने तरह के जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है नदियों को प्रदूषित कर देते हैं जिसके कारण से ये जीव जंतु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन जैविक रूप से उत्पादित क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं अधिकांश जो है मुख्य मीठे पानी और समुद्र के खारे पानी के मिलने बिंदु पर बनते हैं और ये मछलियों के प्रजनन के लिए सबसे जो है उपयुक्त जगह पर पाए जाते हैं। तो मछलियों के जो कि हमारे जो है भोजन का मुख्य सोर्स के रूप में देखा जा सकता है उसका जो है ब्रीडिंग इन्हीं जगहों पर होता है, यानी प्रजनन जो होता है इसी जगहों पे होता है। तो नदियां जो है एक प्रयुक्त जो है कंडीशन देता है मछलियों के प्रजनन के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जैविक को पनपने के लिए जो है नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। अगर अंतिम पॉइंट की बात करें कि जल विद्युत उत्पादन का स्रोत, देखिए जल से जो है बिजली का उत्पादन होना एक स्वाभाविक बात है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाखड़ा नंगल बांध, जहाँ पर बिजली जो है पूरे पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि नदियाँ जो है विद्युत उत्पादन का प्रचुर स्रोत है और इसके लिए बड़ी बांध बनाए भी गए हैं और बनाए भी जा रहे हैं जिससे कि लोगों की जो है पूर्तियाँ जो है बिजली का किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा किए। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और बहुत ही साधारण आंसर भी है, लेकिन एग्जाम में आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लेना ही उचित माध्यम है।